మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి. जब जब आपका पार्टनर आपको स्पेशल फील करवाता है, आपके लिए कुछ करता है या ऐसा कहता है, जब आपको उनके साथ बहुत ही स्पेशल फील होता है ना, तब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो यार ये इंसान ना आपको कितना ज़्यादा प्यार करता है, तब आप उनके बारे में ऐसा ही सोचते हो. लेकिन वही इंसान जब आपको कभी हर्ट कर देता है, कुछ ऐसा बोल देता है या ऐसा कर देता है, तब आपका मुँह ऐसा हो जाता है और आप कहते हो कि यार इस इंसान को मेरे लिए कुछ नहीं है. ठीक है, तब आप ही से जो कह रहे थे कि ये बिल्कुल आप में है, एकदम आपके प्यार में, लेकिन अभी लगता है आपको यार इसको अपने बारे में कुछ नहीं है. देखियो ये है ना, परिस्थितियों के बेज आपका पार्टनर ऐसा कभी कई बार रिएक्ट कर सकता है. ठीक है, जो प्यार करता है वो भी बहुत गुस्सा कर सकता है और गुस्से में इंसान कुछ बोल देता है और कई बार अफसोस भी होता है उसको. ठीक है, तो ये चीज़ें आप जज ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये परिस्थितियों के ऊपर बेज होता है. अगर आप जानना चाहते हो रियल में कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है या नहीं करता, मैं आपको तरीका बताऊंगा ना कि आप कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको पकड़े, जिससे आपको वाकई में ये बात कंफर्म होती है. उनके बिहेवियर को ऐसे जज करोगे तो कंफ्यूज होगे और कहीं बार गलत डिसीजन ले लोगे. तो ये बात कंफर्म करने का क्या है तरीका, चलिए इनके बारे में बात करते. हमारा सबसे पहला तरीका आपको ये देखना है कि कई बार ऐसा होता है, अगर नहीं होता है कई बार आपसे ऐसी गलती नहीं होती कि आप उनको हर्ट कर दो, आप उनको गलती से दुखी कर दो या आप कोई मिस्टेक कर दो रिलेशनशिप में, तो वो इंसान इसके बाद क्या करता है. जाहिर सी बात है कि सामने वाले इंसान को आपके ऊपर गुस्सा आएगा या आपने उनको हर्ट किया या कुछ भी ऐसा हो. अगर आपने नहीं किया तो करके देख लो. ठीक है, उसके बाद वो गुस्सा भी करेगा, ये बात भी कन्फर्म है. लेकिन उसके बाद क्या वो आपको माफ़ करता है या बहुत ज़्यादा टाइम तक आपसे नाराज या गुस्सा रहता है, बहुत ज़्यादा, ये गलती के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं. लेकिन छोटी चीज़ों पे, मतलब ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं कर देनी कि आपको धोखा ही दे देना है. ठीक है ना, फिर चीज़ें उलझ सकती है. लेकिन क्या वो आपकी गलतियों पे आपको माफ़ करता है? अगर रियल में आपको प्यार करता है तो वो आपकी गलतियों को माफ़ करेगा. क्यों माफ़ करेगा? क्योंकि रियल में वो आपसे प्यार करता है और आपसे बिना वो दूर रहना नहीं चाहता, आपसे अलग होना नहीं चाहता, इसलिए आपकी गलतियों को वो जाने देता है. उनके लिए वो गलतियाँ इतनी मैटर नहीं करती. लेकिन वो प्यार नहीं करता तो बार बार वो आपकी गलतियों को ही कोसेगा, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए गलतियाँ बढ़ जाएगी, प्यार छोटा पड़ जाएगा. वो प्यार करते हैं या नहीं करते, ये बात जानने का दूसरा भी एक तरीका होता है, और वो ये है कि हमेशा जब कभी वो आपसे मिलते हैं, जब कभी वो आपसे बात कर रहे होते हैं, तो किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मैं करते रहते हैं, यानी कि मैंने वो किया था, मेरा ये है, कल मेरा परसों वो होता है. दूसरी तरह के लोग ये होते हैं जो हमेशा समाज की, सोसाइटी की, पूरी दुनिया की बातें करते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर उनकी बातें होती है ना, वो आप दोनों के बारे में होती है, तेरा मेरा, तेरे मेरे रिलेशन के बारे में, तेरे और मेरे रिलेशन के फ्यूचर के बारे में. ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि जब कोई इंसान आप दोनों के फ्यूचर के बारे में प्लान करता है, बातें करता है कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, हम अपने फ्यूचर को ऐसे प्लान करेंगे, इन चीज़ों के बारे में बात करता है, तो ये चीज़ ये कि उनको आपके साथ फ्यूचर में इंटरेस्ट है, यानी कि बंदा या बंदी आपके साथ लॉयल है, हम आपको प्यार करते हैं. तीसरी चीज़ ये जानने का कि जो आपका पार्टनर है वो आपकी बातों का बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है, आपकी बातों को महत्व देता है. अभी बहुत सारे लोग ऐसे, अगर वो रिलेशन में झूठे हो गए ना, तो हमेशा ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि वो अपनी हर बात को इम्पोर्टेंस देता है, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, वो बात कुछ मैटर करती है. लेकिन जो दूसरे कहते हैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता. जो अगर आप कुछ कहते हो तो क्या आपकी बात को सीरियसली लेते हैं? आपकी बात को पहले तो सुनते हैं? ठीक है, ऐसा नहीं कि तू कह रहे तो उसमें तो कुछ नहीं है. अगर आप कुछ गलत बोल रहे तो आपको सीरियस होकर समझेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं तुझे नहीं आता. तो ये बात बहुत मैटर करती है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो बात में दम है या नहीं है. लेकिन वो बंदा रियल में, जेन्युइन में, वो लड़की भी अगर है तो आपको प्यार करेगा ना, तो आपकी बकवास बात भी उसके लिए फालतू नहीं होगी, उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी. अगर वो झूठा है तो आपकी कितनी भी बड़ी बात उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं होगी. और चौथा तरीका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और यहाँ से आपको पता चल ही जाएगा आज कि वो आपको प्यार करते हैं या नहीं, वो चीज़ ये है कि क्या आपका पार्टनर आपके लिए अपने खुद के शेड्यूल चेंज करता है. अब शेड्यूल चेंज करना क्या होता है? देखिए, हम सबकी लाइफ होती है अलग अलग, पर्सनल लाइफ होती, कोई स्टूडेंट होता है, कोई जॉब करता है, कोई काम करता है अपना. लेकिन जब आप कहते हो अचानक से कि आज आपको मिलना है या आज आपका कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया, तो क्या वो आप अपना काम छोड़ के आपके पास आएगा? आपका कोई काम करने के लिए, आपकी कोई हेल्प करने के लिए, आपको मिलने के लिए, आपको बात करने के लिए
वो एग्जिस्ट करता है अपनी लाइफ में या नहीं करता। अगर वो करता है, अपने शेड्यूल को बदलता है, फिर भले वो छोटी बात हो, बात करना हो, जस्ट मिलना हो, लेकिन अपने काम को, अपने शेड्यूल को कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि उनके काम से बड़े आपके साथ उनका जो रिलेशन है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी नज़रों में। तो ही वो बंदा करेगा, और कोई भी बंदा तभी करेगा, वरना बोल देगा सॉरी यार मेरे से नहीं होगा, अगर वो फेक होगा तो। तो ये चार बातें, इनके ऊपर गौर करना अपने रिलेशन में, और कमेंट में भी बताना कि आपका क्या हाल है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि इस वीडियो के हेल्प से आपको आज पता चल ही गया होगा कि रियलिटी क्या है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल हुआ तो इसे लाइक करो, इसके बारे में कहना चाहते हो अपने विचार तो कॉमेंट करो। चैनल में पहली बार आए, रिलेशन के बारे में, लव के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस चैनल पे 1000 से ज़्यादा वीडियोस है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मुफ्त में। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, या मेरे साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो उसके सारे जो यूज़फुल लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे। थैंक यू सो मच।